हाय, वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट एंड टेस्ट पार्ट 8, फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, मुझे टाइम पास करने की तो आदत है नहीं, तो चैप्टर शुरू करते हैं। यह टेंस पास्ट के कार्य की पूर्णता के साथ ही उसके कुछ भाग का आगे भी जारी रहने का बोध कराता है। ता रहा था, ती रही थी पर आधारित वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। वह गरीबी में भी परिवार का बोझ वर्षों से उठाता रहा था। ठीक, अटलांटिक महासागर में बार बार जहाज डूबते रहे थे। बरमुडा त्रिकोण, एक समुद्र में बरमुडा त्रिकोण है जिसके अंतर्गत कोई हवाई जहाज चाहे कुछ भी जाएगा तो लापता हो जाता है। बरमुडा त्रिकोण में तो हवाई जहाज तक लापता हो जाते हैं, चाहे तुम उसके ऊपर से गुजारो, नीचे से गुजारो, कहीं से गुजारो, गायब होना ही है, खत्म। वो घिंच लेता है, शायद उसमें कुछ अलग ही शक्ति हो। लाल बहादुर शास्त्री बचपन से मेहनती एवं ईमानदार थे। अब इस बनेगा कैसे? स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हैड बीन है पर यहां पर तुमको हैव की जरूरत है तो हैव बीन का ही प्रयोग कर सकते हो। कहीं सी हैड, ही हैड बीन बेरिंग द बर्डन ऑफ द फैमिली फॉर ईयर इवन इन प्रॉवर्टी। ठीक, सिप आगे, हैव बीन, हैड बीन, सॉरी हैड बीन का ही यहां प्रयोग होगा क्योंकि पास्ट में है ना, हैड बीन का ही केवल प्रयोग होगा। हैड बीन सिंकिंग टाइम एंड अगेन इन द अटलांटिक ओशियन। इवन एरोप्लेन हैड बीन डिपार्टिंग इन द ब्रिमुडा त्रिकोण, सॉरी ट्रायंगल। हो जाएगा, हिंदी तो ऊपर स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, अब ये इंग्लिश का स्क्रीन शॉट ले लो। हो गया, वेरी गुड। ये हिंदी, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहां से ये हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश, ये रहा तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश। पहले पढ़ाई में समझ चुके होगे कि हैड को पहले, मतलब जो वर्ब है उसको पहले लगा देना है सपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये निगेटिव चालू हो गया यहां से, निगेटिव सेंटेंसेस। देखो ये फर्स्ट लाइन है, ये ले लो स्क्रीनशॉट। अब ये थोड़ी सी हिंदी है और इंग्लिश भी साथ है, बाकी सबका निगेटिव सेंटेंसेस का। तो निगेटिव सेंटेंस लिख लो, बाकी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे इस चैनल से जो आज तक कहीं क्रिएट नहीं किए गए होंगे, वो चीज तुमको यहाँ पर मिलेगी, वो एजुकेशन मिलेगी, वो न्यूज मिलेगी, तुम वो नॉलेज मिलेगी जो कोई बताता नहीं है, वो नॉलेज यहाँ इंद्रजीत स्टडी पॉइंट से मिलने वाला है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो कि वो जल्दी तब जल्द से जल्द वीडियो पहुंचे। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कॉपी कर लो, सॉरी नोट डाउन कर लो। हो गया, ये इंग्लिश, ये उसकी इंग्लिश। साथ में नीचे देखो क्वेश्चन टैग दिए गए हैं, क्वेश्चन टैग
पर कर देता हूँ थोड़ी सी क्वेश्चन टैग आ गया। वह माँ बाप का कहना मानता रहा था ना, वह माँ बाप का कहना मानता रहा था ना, तुम अनुशासन नहीं तोड़ते रहे थे ना। सिंपल सा स्ट्रक्चर, इधर नॉट हो इधर नहीं होगा, पर इधर नहीं है पर इधर नहीं है तो इधर होगा, इधर है इधर नहीं है, बस हेड लगा दो इधर हेड लगा दो, यू को कर दो तो यू इधर को हो जाएगा और ये बिगिन बिंग हैड बीन। ठीक है, देखो निगेटिव अगर इंट्रोगेटिव नहीं रहते ना, इसमें इंट्रोगेटिव नहीं रहते तो ये अलग से फॉर्म से बनता, बस केवल तुम्हें सपोर्टिंग वर्ब को लगाकर उसके आगे का जो दिया है, जैसे देखो इसमें इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन की इस्तेमाल हो रही है, हैड बीन का प्रयोग हो रहा है ना, तो बीन तुमको लगा दो, हैड के साथ बीन रहता है तो हैड पहले आएगा, बी यू विच हैड सब्जेक्ट प्लस वो निगेटिव में है तो इसलिए उसको बीन को इधर हो जाएगा, क्योंकि बीन जो वाक्य को पूरा करता है वो चीज लास्ट में लगता है, वो सेंटेंस वो वर्ड बाद में लगता है। चलो नीचे के स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब यहां से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही है। अब बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला है, बस पहुंचेंगे फ्यूचर टेंस में। क्यों बच्चों, ये फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारा स्क्रीनशॉट प्लीज, उसके बाद से चलते हैं एक्सरसाइज टू। ये तुम्हारा हिंदी जस्ट डाउन, ये तुम्हारा हिंट जस्ट डाउन, ये थर्ड एक्सरसाइज की हिंदी, इसको मन से बनाओ। वह नियमित रूप से समाचार पत्र नहीं पढ़ता रहा था ना। देखो यार, बुक जो है ना और न्यूज़पेपर दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए हमेशा। न्यूज़पेपर से जो सीखने को मिलते हैं ना वो टीवी से देखने को नहीं मिलेगा, कोई सीरियल देखने से नहीं मिलेगा, कोई फिल्म देखने से नहीं मिलेगा, लेकिन सीरियल देखने से जो मिलेगा वो पढ़ने से नहीं मिलेगा। सीरियल देखने से क्या मिलता है, टाइम पास हो जाता है, कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कब, जब तुम एक 100, 200, 300 एपिसोड एक दिन में देख गए ना तब कुछ सीखने को मिलता है। रामायण एक दिन में अगर पूरी रामायण देख गए तो सीखने को मिलेगा, एक दिन में अगर पूरी रामायण पढ़ जाते हो तो सीखने को मिलेगा, क्यों, तुम्हारा रीडिंग स्किल बढ़ जाएगा, वर्ड स्पीकिंग बढ़ जाएगा, वर्ड समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगी, मिला ना। दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है, बस मन लगाकर करना चाहिए। चौथी नंबर एक्सरसाइज नोट डाउन कर लो, जितना मन लगाओगे उतना ही पढ़ाई में मन लगेगा। अरे गर्लफ्रेंड क्या क्या रखना, कुछ नहीं, बस मन की तृप्ति है। अरे मन की तृप्ति, मन की शांति ही कर लिए तो तुम जिंदा कहाँ हो यार, जिंदा हो तो मन की तृप्ति नहीं मिलेगा। अरे शुक्र करो यार, चैन से तो शांति से तो प्याज भी नहीं कटता, तो ये जिंदगी कैसे कट जाएगी बताओ जरा। बस यहाँ पर चैप्टर खत्म होते हैं, अब मिलते हैं फ्यूचर टेंस में नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी जर्नी एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।